गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और पढ़ाई कर रहे हो? यस आई एम स्टडीइंग। और भैया आपका क्या नाम है? हेलो गुड मॉर्निंग सर, सर माय नेम इज आर्यन। अरे आप भी इंग्लिश बोल रहे हो, पढ़ाई करते हैं आप? यस सर, सर आई एम स्टडीइंग 17 एमपीएस। अच्छा अच्छा, फिर आप सब आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं, सफाई वगैरह ये सब? सर मेरे पापा किसान हैं और आप किसान की स्थिति तो आप जानते ही हैं, इसलिए मैं अपनी फीस पूरी करने के लिए मैं इनसे कपड़े लेता हूँ और ये मेरी फीस करते हैं। मैं सुबह और शाम एक एक घंटा का काम करने आता हूँ। और ये कौन सो रहा है अभी? ये हमारे छोटे मालिक, ये रात को अपने दोस्तों के साथ खाना खा के आए थे, इसलिए अभी तक अरे उठ जाओ भाई, अब तो 10 बज गए यार। नहीं नहीं ये छोटे मालिक हैं, ये तो 12 बजे तक अभी तक सोते ही रहते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे मालिक से इस बारे में बात करूं? नहीं सब आप मालिक से कुछ मत कहना, नहीं तो वो है ना, वो भी मुझे काम से निकाल लेंगे और फिर अपनी स्कूल की फीस कैसे भरूंगा। ये मालिक के बेटे, ये मेरे दोस्त की तरह, ये मुझे कभी कुछ नहीं कहते और मेरी हर जरूरत को पूरा करते। आप मालिक से कुछ मत कहना। कोई बोल रही लोग इन बच्चों की हालत, ये मजबूरी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं अकेला मिलकर मैं कुछ चाहता हूँ इन बच्चों के लिए करना, लेकिन मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता। आप सब लोगों को मेरे साथ आना होगा और गवर्नमेंट को भी इस बारे में जरूरी कदम उठाना होगा। थैंक यू सर। जैसे कि आप जानते हैं चाइल्ड लेबर क्या है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि समाज में इतने सारे बच्चे किसी और के घरों पे काम करते हैं। क्या उनके खुद के घर नहीं है? वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? तो उन्हें भी अपनी पढ़ाई करने का, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का की जरूरत है ना। उन्हें भी चाहिए कि उनकी फैमिली के साथ वो रहें। बस मैं इतना ही बोलूंगा।